प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम मन की बात को टक्कर देने के लिए कांग्रेस ने देश की बात कार्यक्रम शुरू किया है। शनिवार को शुरू हुए देश की बात कार्यक्रम के पहले एपिसोड में कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने देश की खराब अर्थव्यवस्था, एनसीआरबी डेटा, किसानों की आत्महत्या जैसे मुद्दों पर बात की। इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा से बात की हमारे सहयोगी अजय झा ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात को काउंटर करने के लिए कांग्रेस के सोशल मीडिया डिपार्टमेंट की तरफ से आज एक नई पहल की गई है। देश की बात रखा गया है उस प्लेटफॉर्म का नाम, और पवन खेड़ा जो कांग्रेस के प्रवक्ता है, वरिष्ठ नेता है, आज उन्होंने पहले एपिसोड में बहुत सारी बातों का जिक्र किया। सीधे उनसे बात करते हैं, किन किन विषयों को आपने एड्रेस किया है आज के देश की बात के पहले एपिसोड? पहली बात तो ये कि प्रधानमंत्री जी के मन की बात को काउंटर करने के लिए नहीं है, वो अपनी मन की बात करें, उन्हें मुबारक हो। हम देश की वो विचार, उसको आवाज़ दे रहे हैं जिस विचार को अब बहुत कम लोग आवाज़ देते हैं, जो रोष है देश के मन में, लोगों के मन में, अर्थव्यवस्था को लेकर, बढ़ते अपराधों को लेकर, एक तरह का जो पोलराइजेशन है, समाज को बांटने की जो राजनीति चल रही है उसको लेकर, उन तमाम मुद्दों को आवाज़ देने का फर्ज विपक्ष का होता है, तो वो फर्ज निभाने के लिए एक पहल शुरू की है। आपको लगता है कि बहुत से ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जो मीडिया के, जिसके जरिए कांग्रेस की बात लोगों तक नहीं पहुंच पा रही थी, और यही वजह रहा कि कांग्रेस के सोशल मीडिया डिपार्टमेंट की तरफ से इस तरह के प्लेटफॉर्म? देखिए, जनता कब तक इंतज़ार करे? मीडिया का एक बहुत बहुत अहम भूमिका रहती है कि सरकार को जवाबदेह बनाए। अगर वो नहीं बना पा रहे, कुछ तो मजबूरियाँ उनकी भी रही होंगी, हम तो इंतज़ार नहीं कर सकते। जनता की दुख हो तो आवाज़ देना ही पड़ेगा, सरकार को कटघरे में खड़ा करना ही पड़ेगा, इसलिए ये पहल हमने शुरू। थोड़ा सा आप ये बताइए, क्योंकि उसने में आपने इकोनॉमिक डिस्ट्रेस, एनपीएस का जिक्र किया, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने किस तरह से आंकड़े छुपाए हैं बहुत सारी चीज़ों के, तो उसके बारे में? पहले तो एनसीआरबी का डेटा ही आना बंद हो गया, जैसा कि बाकी डेटा आना बंद हो गया था। अब जब आया है तो काफ़ी तो छिपा दिया गया, लिंचिंग्स का जिक्र ही नहीं है। फार्मर सुसाइड्स, जो कि सबको मालूम है, बढ़ती चली जा रही हैं, लेकिन उसकी परिभाषा बदल दी। जो कॉलम्स होते हैं फॉर्म में, उसमें नशे की आदत, पारिवारिक कलह, डिप्रेशन, अलग अलग डाल दिए कि लोन या कृषि संबंधित कम से कम कारण दिखाएं और ज्यादा कारण उनके निजी कारण दिखाएं। ये क्या तरीका है? आप सच को छिपा लोगे आंकड़ों में, लेकिन आंकड़ों से लोगों का पेट नहीं भरता। जो परिवार अपना एक किसान बेटा या पति या भाई गंवा चुका होता है, उसको तो मालूम है ना उसके साथ क्या गुजर रही है, उसको आवाज़ कौन देगा? मीडिया नहीं दे पा रहा, नहीं दे, हम देंगे। 200 से ऊपर प्लेटफॉर्म्स पर आज ये देश की बात, जो हमारे सोशल मीडिया विभाग ने शुरू की है, 200 से ऊपर प्लेटफॉर्म्स पर आज ये प्रसारित हुआ है, और आने वाले दिनों में अलग अलग हमारे नेता आकर अलग अलग बातें, वो तमाम बातें रखेंगे जो इस देश को उद्वेलित कर रही हैं, दुखी कर रही हैं। किस तरह से होगा ये? महीने में एक बार होगा या 15 दिन में होगा, किस तरह से इसको प्लान किया? जो हम लोग ये भी उम्मीद कर रहे हैं आप सब, आपके माध्यम से, कि लोगों से भी हम इनपुट लेना चाहते हैं, क्या मुद्दे उठाएं, कौन से ऐसे विशेष मुद्दे हैं, कई इलाकों में है, जैसे साउथ के अलग मुद्दे हो सकते हैं, वेस्ट के अलग मुद्दे हो सकते हैं, तमाम मुद्दों को इकट्ठा करके कोशिश यही करेंगे कि महीने में कम से कम एक बार हो। धन्यवाद। तो साफ तौर से पवन खेड़ा जी का कहना है कि देश के तमाम मुद्दों को का जिक्र होगा इसमें, और महीने में कम से कम एक बार इस प्लेटफॉर्म के जरिए कांग्रेस अपनी बात लोगों तक पहुंचाएगी। कैमरामैन रफी के साथ अजय झा, गो न्यूज़, दिल्ली।